जाने माने समाज सेवी नरेंद्र देव चुन्नी को पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर भीम सिंह द्वारा जम्मू व कश्मीर पीओके रेजिडेंस काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चुन्नी का परिवार पाक अधिकृत कश्मीर के जम्मू संभाग का रहने वाला है। उनका परिवार 1947 में हुए देश के विभाजन के समय जम्मू पलायन कर गया था। हम भारत की पार्लियामेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये संघर्ष पूरे देश में फैलेगा कि जम्मू कश्मीर को इंटेग्रेट करो, धारा 370 आर्टिकल को जो बुनियादी तौर पर एक फितना है हमारे देश के अंदर, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते, अमेंड करो ताकि भारत का संविधान लागू हो, देश में एक झंडा भारत का झंडा और एक संविधान यानी भारत का संविधान जब तक नहीं होगा तब तक जम्मू कश्मीर में गोलियां चलती रहेंगी, आग लगती रहेगी। एक सिक्के के दो चेहरे हैं, एक जो विपक्ष कहते हैं कांग्रेस और एनसी और दूसरा है पीडीपी और आरएसएस या बीजेपी जो सरकार चला रहे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, दोनों सत्ता के भूखे हैं, सत्ता चाहिए और जम्मू कश्मीर में जितना अमन है जितना आराम है वो तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। इतना कभी भी गदर नहीं हुआ पूरी जम्मू कश्मीर में, कश्मीरियों पर जितने जुल्म हुए इतने शायद तारीख में कहीं नहीं हुए और आज भी हो रहे हैं। कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तान के साथ था, ये कश्मीरी मुसलमान था, शेख अब्दुल्ला था, जिन्हें तिरंगा झंडा 1946 नेहरू जी के साथ खड़े होकर लाल चौक में चल रहा है और आज भी कश्मीर का मुसलमान, कश्मीर का नौजवान, कश्मीर का युवा भारत के साथ है, तभी हमारा वहाँ देश चल रहा है बिना तिरंगा के। इसलिए जो कसूरवार हैं, दोषी हैं, वो है आपकी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की थी, पीडीपी की थी या आरएसएस की सरकार है, ये जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान का आयन चाहते हैं। चुन्नी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल इंटेग्रेशन कमेटी के सदस्य भी हैं। यह कमेटी जम्मू संभाग के लोगों व पाक अधिकृत कश्मीर के निवासियों के बीच मैत्री और सौहार्द बढ़ाने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द टाइम्स।